Hello guys, my name is Akhil Choudhury and this is my YouTube channel. So please subscribe my YouTube channel. So this is my second YouTube video. Aur aaj ka mera topic hai tax. Now my question is what is tax? To aaj hum baat karenge tax ke baare mein. Ye definitions likhe gaye hain jisko maine teen parts mein divide kiya hai. So definitions ko acche se janne se pehle main kuch aap log ko rough mein batane wala hu. Okay? So, चलिए सबसे पहले मैं एक मूवी का नाम लिख रहा हूँ ओके आप लोग ने अगर देखी होगी दिस मूवी इज लगान ओके शायद आपकी ये आमिर खान एक ये आमिर खान की मूवी है जिसमें क्या है लगान मूवी का नाम है और लगान का मतलब सबको पता होगा कि जैसे पहले कोई भी किसान होते थे जो एग्रीकल्चर का काम करते थे वो अगर कोई फसल उगाते हैं तो वो उसमें से अगर मानो ये 100 kg आप फसल उगाए तो उसमें से कुछ क्या राजा को वो देते थे जस्ट लाइक 1 kg ठीक है अगर वो 100 kg उगाते हैं तो 1 kg राजा को देते थे सो यहीं से आता है किसका कॉन्सेप्ट टैक्स ओके तो GST आने के बाद आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा GST जो कि कब से अप्लीकेबल हुआ है इंडिया में 1/7/2017 से GST इंडिया में अप्लीकेबल हुआ है सो GST आने के बाद बहुत सारे लोग एक तो GST के बारे में जानना चाहते हैं और उन्हें ऐसा भी लगता है कि गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लाके उन पर एक बोझ डाल दिया है बट आज मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके में आप लोगों को टैक्स के बारे में बताने वाला हूँ टैक्स कितने तरह के होते हैं और GST का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बताने वाला हूँ और ये कोई बोझ नहीं है वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा सो आप लोगों ने लगान देखा होगा लगान क्या होता है अगर कोई राजा महाराजा के टाइम अगर कोई किसानी करता है ठीक है एग्रीकल्चर काम करता है तो वो कुछ फसल उगाने के बाद कुछ पार्ट वो राजा को देता था जिसको कि हम लगान कहते थे सो आजकल टैक्स में भी वही हो रहा है इन इंडिया ओके इन इंडिया कितने तरह की गवर्नमेंट है इंडिया में आई थिंक आपको पता होगा फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट इट्स CG एंड सेकेंड वन इज ST ST मतलब स्टेट गवर्नमेंट ओके तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और एक क्या होते हैं स्टेट गवर्नमेंट चलिए ये मैंने आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया और ये मैंने स्टेट गवर्नमेंट बना दिया अब आप लोग मुझे ये बताइए आप लोग में से कितने आदमी ने देखा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई काम करती हो या फिर खुद एग्रीकल्चर काम करती हो या फिर किसी ऑफिस में जाके पूरे दिन ड्यूटी करती हो या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हो सो आप लोग बोलेंगे सर ये क्या है सभी को पता है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ठीक है दोनों जब गवर्नमेंट बनती है तो वो ऑफिस में बैठते हैं और वो बस क्या लेते हैं डिसीजंस लेते हैं ओके तो अब आप मुझे ये एक चीज बताइए कि आप लोगों ने बजट के बारे में सुना होगा चलिए ये तो आपके दो गवर्नमेंट हो गए और इंडिया में बहुत से लोग हैं ठीक है ये मैं कुछ लोग बना रहा हूँ बहुत से लोग हैं जिनको क्या सब चाहिए कुछ इनको सर्विसेस चाहिए ओके जैसे कि इनको रोड चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रेलवे चाहिए और रोड भी अच्छे अच्छे रोड चाहिए ठीक है उनको लाइट चाहिए बहुत सारे सर्विसेज चाहिए तो ये सारे सर्विसेज जो गवर्नमेंट इनको देती है या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर कौन सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनको पैसा कहाँ से आती है ठीक है मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ इंडिया में दो तरह गवर्नमेंट होते हैं फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं करती है वो ऑफिस में बैठती है और बस डिसीजंस लेती है और वो इंडिया के जितने भी पीपल हैं ठीक है इंडिया के जितने भी आदमी उसको वो क्या करती है सर्विसेज प्रोवाइड करती है सो आप बताइए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पैसा कहाँ से आता है वो पैसा टैक्स के फॉर्म में लेती है इंडिया के आदमियों से सो टैक्स के अब अगर हम डेफिनेशन को देखें तो आप इसको समझ पाएंगे चलिए माई क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्स ठीक है व्हाट इज अ टैक्स अब देखिए टैक्स इज मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट पीपल किसको पे करती है गवर्नमेंट को पे करती है और गवर्नमेंट उसका क्या करती है गवर्नमेंट इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज मतलब टैक्स क्या है टैक्स सिंपली अगर हम बोलें तो गवर्नमेंट सर्विस मतलब सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है ठीक है उसके लिए जिनको पैसा चाहिए वो किससे लेती है पीपल से लेती है सो टैक्स इज मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू
प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। सो आई थिंक अब आप लोग टैक्स का मतलब समझ चुके होंगे। अब हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। ओके, ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट बनाने वाला हूँ जिससे बहुत ही जल्दी ये सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो सके। नौ टाइप्स, फर्स्ट वन इज DT एंड सेकेंड वन इज IDT। DT मीन्स डायरेक्ट टैक्स एंड IDT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोगों को टैक्स का मतलब तो पता चल गया है, इट्स मीन टी का मतलब आप लोगों को पता है। टैक्स क्या होता है? जो आदमी जो पैसा देती है किसको? गवर्नमेंट को देती है, और गवर्नमेंट वही पैसा का यूज़ करती है किस लिए? तो सर्विसेज देने के लिए। ओके, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये क्या है सर? तो चलिए मैं अगर सिंपल सी बात करूँ, आपको एग्ज़ाम देनी है। ओके, आपको क्या देनी है? आपको एग्ज़ाम देनी है। तब आप बताइए, आप एग्ज़ाम देने खुद ही जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, या आप किसी और को बोलते हैं यार तू चले जा? ऐसा तो नहीं होता है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको खुद जाना होगा। ओके, ये आप अपना लाइबिलिटी मतलब आपका जो एग्ज़ाम वाला है वो आप किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि तुम मेरे बदले में जाके एग्ज़ाम दे दो ऐसा वैसा। तो ये क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट आपको खुद जाना होगा। और सेकेंड वन इज़ किसी का, चलिए किसी का शादी है। ओके, आपको इन्विटेशन मिला और आप कुछ बिजी चल रहे हैं, तो आपका ये मतलब फैमिली मेम्बर है और एक दो, तो आप क्या बोलते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ और आप दोनों जाके शादी अटेंड कर लो। तो फर्स्ट केस में क्या था कि आपको जहाँ जाना है वहाँ आपको खुद ही जाना है, आप कितने भी बिजी हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको खुद ही जाना होगा। और सेकेंड वन इज़ क्या था, इनडायरेक्ट में अगर आपको कहीं जाना है और फिर अगर आप नहीं जा सकते हो या फिर कोई भी कारण हो, तो आप अपना क्या है, आप शिफ्ट कर सकते हो किसी के ऊपर कि मेरे बदले आप जा सकते हो। सो डायरेक्ट टैक्स भी सेम यही है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर ये कोई आदमी है ए, ठीक है, इसके ऊपर लायबिलिटी बनती है, ये कोई आदमी ए है इसके ऊपर लायबिलिटी बनती है कि ये गवर्नमेंट को, किसको? ये गवर्नमेंट को क्या करे, टैक्स पे करे। कोई आदमी ए है इसके ऊपर लायबिलिटी बनती है कि ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, तो ये आदमी खुद ही पे करेगा। ओके, ये अपना लायबिलिटी किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है, ये आदमी ए खुद ही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ओके, एंड सेकेंड वन में क्या होता है, अगर ये कोई आदमी ए है इसको क्या पे करना है, इसको गवर्नमेंट को पे करना है क्या, टैक्स। तो ये क्या करता है, ये एक दूसरे आदमी को इन्वॉल्व करता है जस्ट लाइक बी, ठीक है, और ये बी जाके इसको पेमेंट करता है। इट्स मीन ए के ऊपर लायबिलिटी आया कि वो गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करे, बट ए क्या करता है, ए बी को देता है और बी जाके गवर्नमेंट को पे करता है। और यहाँ क्या था, ए खुद जाके गवर्नमेंट को पे करता है। सो DT मीन्स जब भी किसी आदमी पे लायबिलिटी बने वो डायरेक्टली जाए गवर्नमेंट को पे करे, सो इट इज़ डायरेक्ट टैक्स। एंड दूसरे साइड में क्या होता है, ए के ऊपर लायबिलिटी बना और वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो ये क्या होता है, दिस वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो अभी 1/7/2017 से इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, GST। आप लोगों ने इसका बहुत नाम सुना होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट हम बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, बस एक ये है आपका इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बस एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। अगर किसी आदमी के ऊपर इनकम टैक्स का लायबिलिटी बनता है उसे खुद जाके गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो अपना लायबिलिटी किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है। बट इन अदर हैंड्स GST, चलिए आप लोग को अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई आदमी है, ओके, ये एक शॉप पे गया। ओके, शॉपकीपर से ये मानिए ये प्रोडक्ट कोई ए खरीदने गया। ओके, ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद इसको बिल मिला। आई थिंक आप लोग बिल समझते होंगे। बिल पे क्या था, प्राइस था 100 और उसमें GST लगा हुआ था 18 रुपीज़। टोटल कितना था, 118। चलिए जब कोई आदमी किसी शॉप पे जाता है वो कोई सामान ए लेता है, उसके पास बिल आता है, बिल पे 100 रुपीज़ प्राइस होता है और 18 रुपीज़ क्या होते हैं, उसमें GST लगे होते हैं अभी। और उसका टोटल प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 118, इट मीन्स 118 रुपीज़। अब क्या करते हैं, 118 रुपीज़ आप पे करते हैं किसको, शॉपकीपर को,
ना कि आप 100 रुपीज़ पे करते हैं शॉपकीपर को और 18 रुपीज़ आप पे करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। और यहाँ आपका लाइबिलिटी है कि 100 रुपीज़ शॉपकीपर का होगा और 18 रुपीज़ किसका होगा, गवर्नमेंट को होगा टैक्स के फॉर्म में। बट आप करते क्या हो, आप जो टोटल प्राइस होता है वो आप किसको करते हो पे, शॉपकीपर को पे करते हो। और ये जो 18 रुपीज़ है इसमें जो जीएसटी का जो भी वैल्यू है वो भी आप किसको देते हो, शॉपकीपर को ही देते हो। और ये फिर जाके किसको, गवर्नमेंट को पे करता है। सो आप देख रहे होंगे ये अगर आदमी एक्स है या इनडायरेक्टली पे हो रहा है, आपने किसको पे कर दिया, शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने किसको पे किया, गवर्नमेंट को। सो दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। बट डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में अगर ए के ऊपर लाइबिलिटी बना तो ये खुद जाके पे करेगा। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, अभी तक तो सही है डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कब आया, 1/7/2017 को इंडिया में जीएसटी आया। सो इससे पहले क्या था, ठीक है अगर मैं बात करूं इससे पहले क्या था इंडिया में, इससे पहले इंडिया में बहुत तरह के टैक्सेस थे, ठीक है, जस्ट लाइक मैं बात करूं वैट था, ओके सीएसटी था, सेंट्रल में परचेज टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, कस्टम ड्यूटी था, मतलब इंडिया में क्या था, हर काम के लिए अलग अलग टैक्सेस थे। बट गवर्नमेंट का ये मानना था कि वन नेशन तो क्या होना चाहिए, वन टैक्स होना चाहिए, अगर वन नेशन है तो वन ही टैक्स होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे ना पहले उस सारे को मिला के बस एक कर दिया, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया, जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो जीएसटी क्या है, जीएसटी कुछ नहीं है, पुराने में चलने वाले सारे इनडायरेक्ट टैक्स का एक मिक्सचर है। नाउ अगर मैं शॉर्ट में फिर से रिविजन करूँ, मैं टैक्स के बारे में बात कर रहा था, टैक्स क्या होता है, टैक्स इज मनी दैट पीपुल हैव टू पे टू गवर्नमेंट, पीपुल किसको पे करती है, गवर्नमेंट को पे करती है, और गवर्नमेंट उसका क्या करती है, उसका यूज करती है सर्विसेज देने के लिए। ओके, टैक्स कितने तरह के होते हैं, टैक्स दो तरह के होते हैं, डीटी एंड आईडीटी। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं जब टैक्स पेयर के ऊपर लाइबिलिटी बने और वो खुद जाके डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे करे, किसी और को इन्वॉल्व ना करे, वो अपना लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकता है, जिसमें क्या है, जिसमें इनकम टैक्स है। ओके, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, किसी आदमी के ऊपर लाइबिलिटी बनता है बट वो किसी और को इन्वॉल्व करता हो, जैसे यहाँ ए था, इसको गवर्नमेंट को क्या पे करना था, टैक्स पे करना था, बट इसने एक बी को इन्वॉल्व किया, वो जाके टैक्स पे किया, तो यहाँ इनडायरेक्टली टैक्स पे हो रहा है। इन इंडिया 1/7/2017 से क्या है, जीएसटी आ गया, इससे पहले बहुत सारे टैक्सेस चल रहे थे, हमको लग रहा है नहीं कुछ तो आपको 11 तरह के, आई थिंक 10 से 12 तरह के टैक्सेस चल रहे थे, जिस सारे को मिलाकर एक बनाया गया जिसका क्या था, जीएसटी। और ये क्यों आया, तो गवर्नमेंट या फिर बहुत सारे लोगों का कहना था कि वन नेशन है तो वन ही टैक्स होना चाहिए, अब कोई आदमी कितने तरह का टैक्स भरे, सो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में अब एक ही तरह के टैक्स है, जीएसटी। सो नाउ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या था, एक्स अगर किसी शॉपकीपर के पास जाता है प्रोडक्ट ए लेने के लिए तो वहाँ बिल उसको मिलता है जिसपे क्या होता है, प्राइस 100 एंड जीएसटी 18 रुपीज़ लगा होता है, वो टोटल 118 रुपीज़ वो किसको पे करता है, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर क्या करता है, 100 रुपीज़ खुद के पास रखता है और 18 रुपीज़ इस आदमी के बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को पे करता है। सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इनडायरेक्टली एक्स गवर्नमेंट को, एक्स क्या करता है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। और मैंने यहाँ बात किया 1/7/17 को इंडिया में क्या आया था, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले क्या था, इससे पहले बहुत तरह के टैक्सेस चल रहे थे, जिस सारे को मिलाकर एक टैक्स लाया गया जिसका नाम क्या था, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्यों आया, तो वन नेशन है तो वन ही टैक्स होना चाहिए। सो नाउ अभी क्या है, अभी की मैं बात करूं तो अभी टैक्स दो तरह के हैं, ओके डीटी एंड आईडीटी। डीटी में क्या है, इनकम टैक्स, एंड आईडीटी में क्या है, जीएसटी। सो देयर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डीटी एंड आईडीटी, और डीटी में इनकम टैक्स एंड आईडीटी में जीएसटी। थैंक यू।